मैं कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूंगा। मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था वो एंजॉय करना चाहता था। 4 बजे मुझे पता था मेरे घर में खेलने का परमिशन था, 4 से 6 आप खेल सकते हैं। I think Dhoni is the biggest legend Indian cricket's ever had. So Dhoni, I love you Dhoni. स्कूल हमारा 1:30-1:40 तक खत्म हो जाता था, तो हम लोग एंजॉय करते थे। और उसके बाद जब हमारा गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी, तो स्कूल में जो हमारा क्रिकेट का सामान था वो लेके हम 15-20 दिन का कैंप करते थे, आपस में मैचेस खेलते थे। तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। एक ब्रेक मिला जिससे मैं अंडर 16 और अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी मुझे चांस मिल गया। तो मैं हमेशा बहुत आगे की नहीं सोचता था, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। मेरे लिए था कि मैं कल कौन सा मैच खेलने वाला हूँ या परसों कौन सा मैच खेलने वाला हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। और इस तरह की सोच ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था। मेरी ऐसी सोच नहीं थी कि यार इस टीम में मुझे सिलेक्ट होना चाहिए। मेरे हाथ में था परफॉर्मेंस करना, अच्छा करना, मैं वो करता था। सिलेक्शन किन्हीं और के हाथ में था, यू नो, भले वो 5 सिलेक्टर हो या कोई और हो, तो मैं उन सब के बारे में नहीं सोचता था। मैं सोचता था जहाँ के लिए भी मुझे सिलेक्ट किया जाएगा मैं वहाँ जाके खेलूँगा और अच्छा करूँगा। और फिर एक बार जब आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आई थिंक मोटिवेशन की कमी नहीं होती है, कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्पोर्ट हो, किसी भी प्रकार का यू नो प्लेटफॉर्म हो। तो दैट इट्सेल्फ हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें। बट एट द सेम टाइम हम प्रोसेस पे ज़्यादा रियलाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आई थिंक मोटिवेशन की कभी कमी नहीं हुई, बट ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं देश के लिए खेलूँगा, बट अल्टीमेटली मैं खेल रहा हूँ और हमारी टीम अच्छा कर रही है। तो बहुत ही प्राइड वाली बात है कि आप एक ऐसे स्ट्रीम में आप अच्छा कर रहे हो जिसमें आपका पैशन था, जो आप सदा अच्छा करना चाहते थे। ऑफकोर्स लेवल्स अलग होते हैं, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलता था, फिर मैंने स्टेट के लिए खेला और फाइनली कंट्री के लिए खेला। अगर आप सही ट्रेनिंग करते हैं तो फिर किसी भी तरीके का डर ये तो आपके अंदर रहता नहीं। कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे, तो